ये देखो इसका एक गुस्सा है ना, ये इसलिए है कि हम जा रहे हैं सलकनपुर और इसको लेके नहीं जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? मम्मी आप आपकी बेटी को लेके क्यों नहीं जा रही हैं? जब मैं छोटा था ना रिचा, तो मेरे को भी कोई नहीं ले आता था, लोग है ना ऐसे घूमने चले जाते थे। अब तू छोटी और मैं बड़ा हूँ। हाँ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छा मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे बोला था कि यार सलकनपुर कब जाऊँगा पता नहीं, तो अब जा रहा हूँ। मतलब 2 दिन बाद ही सलकनपुर का प्लान बन गया, और प्लान बनाया हमारी मम्मी जी ने। मम्मी जी हैं और मम्मी जी की तरफ से ही हम जा रहे हैं सलकनपुर। उन्होंने बोला कि भैया सलकनपुर चलना है आज। मैं सो के उठा था 12 बजे, 12:30 बजे सो के उठा आज। क्यों मम्मी? सिर्फ मैं और मम्मी जा रहे हैं, तो अभी 3-1 बज रहे हैं समथिंग, तो 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम बीच में रास्ता थोड़े से भटक गए थे, 5-1 किलोमीटर ज़्यादा चल लिए, और आंवली घाट में इस समय आंवली घाट का पुल आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे पहले ब्लॉग्स में भी। दोस्तों पैदल भी बहुत लोग दिख रहे हैं जाते हुए, और आज अष्टमी है, तो अष्टमी पे हमको ऐसा लग रहा थोड़ी सी भीड़ कम मिल सकती है, और या तो ज़्यादा ही मिलेगी, पर ठीक है, दिख रहे हैं लोग पैदल। तो हमें लगभग 1 घंटे लगे, हम सलकनपुर आ चुके हैं, लगभग 1 घंटा लगा हमें, और मुझे लग रहा है आवाज नहीं। गाड़ी चढ़ाने में ऊपर मजा आया, पल्सर से आया, अच्छा लगा। धीरे धीरे करके पहले दूसरे गियर में गाड़ी चलाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। एज यू कैन सी मेरे आगे पीछे, पीछे का व्यू भी दिखा देता हूँ। मम्मी जी हमारी सेल्फी ले रही है। मम्मी जी सेल्फी, अनाउंसमेंट हो रही है किसी का बच्चा घूम गया है, तो भैया मिल जाए उसको। मम्मी मेरे से बोल रही है कि तू मेरे साथ ही रहना। क्यों मम्मी चले? तो क्या है कि मेन गेट बंद कर रखा है, यहाँ से अंदर जाने दे रहे हैं दर्शन के लिए, तो चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा तादाद में भक्त आए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ दोस्तों हमारे, मुश्किल से दर्शन हुए, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए दोस्तों हमारे। तो हमारे दर्शन वगैरह हो चुके हैं, दर्शन हमने कर लिए हैं, और अभी ककड़ी भी खा ली है बढ़िया मस्त मसाले में, और मम्मी का तो उपास है, तो मम्मी कुछ नहीं खा रही हैं, मेरा उपास नहीं है क्योंकि मुझसे बनता नहीं है। अच्छा लगा, हम अभी बैठे हुए हैं और फिर निकल लेंगे यहाँ से। हाँ तो एक छोटी सी दिक्कत है, मामा जी का काफिला आ चुका है और शिवराज मामा का, और ये वाली जो लाइन दिख रही है ये पूरी खाली है इस समय, तो हम भी फंस चुके हैं, 1 घंटे बाद ही निकल पाएंगे और के यहाँ से। तो मैंने ये सोचा था कि सलकनपुर वाला ब्लॉग, यहीं एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, पर समय को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं और देखते हैं कि हम दूसरी बार सलकनपुर सुबह 5 बजे क्यों आए हैं। फिलहाल के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ टाइम के भी क्या हो रहा है। अभी हो रहा है 2:14 रात के, और हम कुछ ऐसे 5-1 लोग हैं, 4-1 लोग हैं, और एक कार है हमारे पास, और हम रात में निकले हैं कुछ 11-1 बजे,
सीनीवालवा से। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ कि कहाँ हूँ, मेरी गाँव माता मंदिर, और ये सीनीवालवा से कुछ 56 या 57 किलोमीटर दूर है। इसके बाद हम जा रहे हैं सरकनपुर माता मंदिर, और बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की थी वो है चाय। अपन भाई कहाँ कहाँ से ढूंढते हुए आ रहे हैं चाय को, बहुत जगहों से। आपके कितने बज रहे हैं अभी? 3 बज रहे हैं। करीबन तीन बस हमारी आंखों में झांक के देख सकते हो कितनी भागती झलक रही है। तेरे भाई को जरा सी भी नींद नहीं आ रही, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं भाई, और मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया ना तो तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी। तो हम नरसुल्लागंज में ना थोड़ा आगे चले गए थे, आदर्श भाई अपनी फील्ड में गाड़ी चला रहे थे और हम आगे निकल गए थे। मेरे को हमारी मैया जाना था, आदर्श भाई को जाना था कि भाई आदर्श भाई के यहाँ ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं आप ही बताओ। ऐसा मानते हैं कि पहले जाते हैं बड़ी मैया के पास, फिर जाते हैं छोटी मैया के पास। ठीक है, चाय ले लो, अपन ये दूसरी चाय आ गई है। तो अब हमारा जो रियल सफर है वो शुरू होने जा रहा है। यहाँ से हमें पैदल पैदल जाना ऊपर तक। तो भाई जो लोग पैदल आते हैं और फिर जिन्हें आरती मिलानी होती है या रुकते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं, ये जगह है, तो अच्छा लगता है यार। काफ़ी सुबह सुबह आप दिन भर से मतलब अपने गांव से चल के आए हो माता जी के पास और फिर आप थक गए हो तो यहाँ आके आराम कर रहे हो आप, और फिर सुबह की आरती मिला रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हमने अभी पहला ब्रेक लिया था, वो लिया था कितनी सीढ़ी पे? 200 सीढ़ी पे लिया था ये। 320 320 अच्छा मजा इतना आ रहा है ना, कहाँ नहीं आ रहा है। ये वाला पूरा एरिया खाली है, नहीं तो लास्ट ईयर सलकनपुर के टाइम यहाँ पे बैठने की व्यवस्था थी। तो यार एक बार हमने आपको दर्शन करवाए थे सुबह के, सुबह हम आए थे देवी जी के दर्शन किए थे, तो आपको हमने सुबह के दर्शन करवाए थे। अभी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं सुबह के 5 बजे के। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई इतना व्यू, इतना क्राउड तो भाई दिन में नहीं था जितना रात में समझ में आ रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो इतना क्राउड तो दिन में नहीं था, अभी मैं आया था काफी ज्यादा क्राउड है, काफी ज्यादा भीड़ है। और दर्शन तुम्हें पता है, अभी मामा जी आए थे दिन में, शिवराज मामा। अच्छा हाँ, मिल के नहीं गया यार मिल। तो कैसा लग रहा है आपको 5 बजे सुबह के? कैसा लग रहा है? तो हमारे दूसरी बार भी दर्शन हो चुके हैं, हमने कितने बजे 4:30-4 बजे लगभग दर्शन कर लिए थे अपन, है ना? अच्छा क्या लगता है जितना मजा चढ़ने में आया उतना मजा उतरने में आएगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चढ़ते टाइम भी नहीं थके ना उतरते टाइम थकेंगे अपने। अच्छा, वो चढ़ने वाला ब्लॉग शूट किया था? हाँ कर लिया था ना। तो थके थे लेकिन थोड़ा थके थे थोड़ा। अब देखो चढ़ते उतरते टाइम एक ही बार में उतर जाएंगे पूरा, एक बार नहीं रुकेंगे हम। अगर हम रुके तो अनसब्सक्राइब कर दो इसको। नहीं नहीं भाई, मोहित भाई तुमको रेलिंग के बीच में ऐसा स्लाइडर बनाएंगे, लुढ़का देंगे तुम्हारे ऊपर, हम सब बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में उजाला हो जाएगा। तो भैया वापस लौट रहे हैं और क्या, सुबह सुबह 6:00 बज रहे हैं, 6:30, और ये खड़ी अपनी गाड़ी और वो खड़े अपने दोस्त। एक चीज़ बस ख़राब लगी कि भाई जब हम पार्किंग ढूंढ रहे थे गाड़ी की, पार्किंग 4-5 बजे सुबह सुबह कि भाई कोई मिल जाए, मतलब जब हम पहुंचे थे जैसे एंटर किए थे सलकनपुर में, तो ये गाड़ी वाला सिस्टम मुझे नहीं पता था, अभी तक अपन बाइक से आते थे। तो कार से गए तो उन्होंने कितने लोग, हमें बोला 5 लोग हैं। तो एक जगह एक बार एक व्यक्ति ने आके हमसे पार्किंग करवा ली, और फिर हम जब उतरे तो बोले भैया 500 रुपये का सामान लेना पड़ेगा, मतलब प्रसाद लेना पड़ेगा, 5 लोगों 100 रुपये पर व्यक्ति। मैंने की ये कौन सी बात होती है, पार्किंग कर रहे हैं, पार्किंग तुम अपने श्रद्धा अनुसार करवा रहे हो और हमें इतना प्रसाद लेना होगा, जैसे फूटे हैं, चिरौंजी हैं, नारियल हैं, वो हमारे हिसाब से लेंगे। तो क्या नहीं, आपको एक व्यक्ति 100 से 150 रुपये लेना पड़ेगा। भैया रात में हम आधे घंटे पार्किंग के लिए परेशान हो गए, जैसे तैसे फिर एक कोई दुकानदार मिला ठीक ठाक, उसने बोली कि ठीक है हमारे यहाँ खड़ी कर दो, 100-150 रुपये का हमने उसके पास से प्रसाद लिया, गाड़ी हमारी सेफ रही क्योंकि ऊपर गए हम पैदल पैदल, और ऊपर पैदल गए पैदल आए, हमको गाड़ी से ऊपर नहीं आना था, तो गाड़ी भी सेफ रखनी थी कि भाई चलो कोई दिक्कत ना हो गाड़ी में। तो ये सब पूरा सुबह सुबह थोड़ा सा मैटर हो गया था, लेकिन और मैं रात के 10 बजे का निकला हूँ ऐसा पजामे और टी शर्ट पे, तो बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, अब घर जाकर सोना है। तो ठीक है, अष्टमी से नौमी हो गई और आज नौमी है, तो हम आ गए हमारे गाँव पे, पूजन करनी होती है ना,
और कल दशहरा तो हम सोच रहे हैं बाइक से इंदौर निकल जाएं क्योंकि इंदौर का दशहरा देखना है। देखते हैं कल क्या होता है। बाकी इस ब्लॉग को तो अपन यहीं तक रखते हैं। मज़ा आ गया, एक दिन में अपन दो बार सलकनपुर घूम के आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊँ ना, तो मेरी नवरात्रि इस बार की बहुत अच्छी रही है। नवरात्रि के फर्स्ट डे मैं इंदौर में था, फिर वहाँ से यहाँ, मतलब बहुत सारी कहानियाँ अभी तो बताने के लिए, ठीक है, जो वो आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चली जाएंगे। तो इसको तो अपन यहीं तक रखते हैं। वैसे थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। शायद ज़्यादा लाइक कर देना और नया हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। कॉमेंट में जमा दीजिए मुझे। बाय बाय।